हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अनिकेत पाठक आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट, इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.4 को समाप्त कर लिए थे। आज प्रश्नावली 3.5 को हम लोग समाधान करेंगे, इसको हल करेंगे। तो चलिए, आप लोगों के टाइम को नुकसान न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जल्दी से जल्दी जो बच्चे नहीं जुड़े होंगे क्लास से जुड़ जाइए और एक बार क्लास को जो है जम के शेयर कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आपके एक शेयर करने से आपका कुछ नहीं जाता है, ठीक। और चलिए अब क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बज्रगुणन विधि से हल करना है। यानी सबसे पहले हमको बताना है कि इसका हल कैसा है। जब अद्वितीय हल होगा तो उसे बज्रगुणन विधि से हल करना पड़ेगा। बज्रगुणन विधि के हल करने के फार्मूले हैं। तो चलिए सबसे पहला सवाल देखते हैं। पहले का पहला सवाल क्या है, x माइनस तीन वाई माइनस तीन बराबर क्या है, जीरो है। फिर दूसरा क्या है, 3x माइनस 9y फिर कितना है, माइनस दो बराबर क्या है, जीरो है। तो सबसे पहले यहाँ समीकरण नंबर एक मान लीजिए, समीकरण नंबर दो। तो समीकरण एक को ax + by + c = 0 से तुलना करने पर क्या करेंगे, तुलना करने पर। तो a यहाँ a1 कर लेते हैं, यहाँ b1 कर लेंगे, यहाँ c1 कर लेंगे। तो a1 का मान कितना है x, a1 का मान यहाँ कितना है, एक है, तो a1 का मान एक मिल गए, ठीक। फिर b1, तो b1 का मान कितना है, -3, इस b1 के स्थान पे यहाँ कितना है, -3 है। फिर c1, और c1 का मान कितना है, -3 है। फिर समीकरण दो को a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर क्या करने पर, तुलना करने पर। तो समीकरण दो क्या है, देखिए कितना है, a2 बराबर कितना है, 3 है, a2 बराबर 3 है, और b2, तो b2 बराबर कितना है, -9 है, और c2, तो c2 बराबर कितना है, -2 है। आपका a2 b2 c2 a1 b1 c1 ठीक ये हो गए। अब क्या करते हैं, अनुपातों की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। क्या करते हैं, अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना करने पर। तो अनुपातों की तुलना करेंगे तो क्या आएगा, a1/a2 कितना है, 1/3 है। फिर क्या है, b1/b2 तो b1 कितना है, -3/-9 कैंसिल, 3 × 3 3 × 9। फिर c1/c2 तो -3/-2। तो आप यहाँ से देखेंगे कि a1/a2 बराबर b1/ क्या है, b2 है। a1/a2 बराबर क्या है, b1/b2 नॉट इक्वल है c1/c2। तो इस स्थिति में जब a1/a2 b1/b2 आपस में बराबर हो जाते हैं, तो इस स्थिति में जो होगा यह अद्वितीय हल के स्थिति में नहीं होगा। यानी इसका हल हम लोग नहीं करेंगे, इसका हम हल नहीं निकाल सकते। लिख देंगे दिया गया जो समीकरण युग्म है वो अद्वितीय स्थिति में नहीं है। किस स्थिति में नहीं है, आप अगर देखना चाहते हो तो डियर स्टूडेंट, आप एक दो पिछले पेज में हमने चार्ट बनाया था, पिछले पेज में आपको ग्राफ बताया गया था, आप ग्राफ में देख सकते हैं डियर स्टूडेंट। जब a1/a2 b1/b2 आपस में इक्वल होते हैं तो जो दिया गया जो समीकरण होता है उसका क्या होता है, उसका जो होगा उसका कोई हल नहीं होगा। तो लिख देंगे अतः रेखा युग्म का कोई हल नहीं होगा।
कोई हल नहीं होगा। ये हो गए आपके पहले का पहला नंबर। ठीक डियर स्टूडेंट, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे सवाल की तरफ कंटिन्यू करते हैं। डियर स्टूडेंट, इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर है 2x plus y बराबर 5 है। फिर क्या है? 3x plus 2y बराबर 8 है। ठीक, अब इसको बताना, सबसे पहले इसे समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर दो। तो क्या लिखेंगे? समीकरण एक को a1x plus b1y plus c1 = 0 से तुलना करने पर तो a1 का मान कितना है? 2 है, a1 = 2 मिल गए। फिर b1 = यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। फिर c1 = कितना है? 5 है। इसी प्रकार का लिखोगे समीकरण 2 को a2x plus b2y plus c2 = 0 से तुलना करने पर। तो a2 = 3 है, b2 = 2 है और c2 = 8 है। अब क्या लिखते हैं? अनुपातों की तुलना करने पर। तो चलिए अनुपातों की तुलना करते हैं। तो क्या हो जाएगा? a1/a2, a1 कितना है? 2 है, a2 कितना है? 3 है। फिर b1/b2, तो b1/b2, b1 कितना है? 1 है, b2 कितना है? 2 है। फिर c1/c2 कितना है? 5/8। तो आप देख रहे हैं अनुपातों की तुलना करने से a1/a2 not equal b1/b2 not equal c1/c2, यानी ये आपस में तीनों क्या है? बराबर नहीं है। अतः दिए गए रेखा का युग्म जो होगा उसका हल होगा, उसका अद्वितीय हल होगा। तो हम लोग हल निकालते हैं। क्या लिखेंगे? दिए गए रेखा युग्म का अद्वितीय हल होगा। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो वज्र गुणन विधि से फार्मूला हमने लिख के रखा है। क्या है डियर स्टूडेंट? x है बटे b1c2। तो b1 का मान कितना है? 1 है। कितना है डियर स्टूडेंट? 1 है। c2 का मान कितना है? 8 है। माइनस b2c1, b2 कितना है? 2 है। c1 कितना है? 5 है। तो 2 × 5 हो गए बराबर y/c1a2। तो c1 कितना है? 5 है। a2 कितना है? 3 है। तो 5 × 3 माइनस c2a1, तो c2 8 है, a1 कितना है? 2 है। तो 8 × 2 हो गए बराबर 1/a1b2। a1 कितना है? 2 है। b2 कितना है? 2 है। तो 2 × 2 हो गए माइनस a2b1। a2 कितना है? 3 है। b1 कितना है? 1 है। 3 × 1 कर लिए इसे। अब देखिए x/8 = 8, 5 × 2 = 10। ठीक, बराबर y/5 = 15, 8 × 2 = 16 बराबर 1/2 = 4, 3 × 1 = 3। अब क्या कर देंगे? x 8 में से 10 घटा देंगे -2, y/15 में से 16 घटा देंगे -1, फिर 1/4 में से 3 घटा दिए 1। एक बार ये वाला पद इसके बराबर कर देंगे, x/-2 = 1/1, और एक बार ये वाला पद इसके बराबर कर देंगे y/-1, ये आ गए। क्रॉस मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो x = -2, और इनका मल्टीप्लाई इनसे करोगे तो y = -1। तो इस प्रकार x और y का मान आप ज्ञात कर सकते हो डियर स्टूडेंट वज्र गुणन विधि से, जो कि सबसे सरल है। केवल आपको ये फार्मूले याद होने
चाहिए, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। चलिए हम लोग तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, इसका तीसरा नंबर क्या कह रहा है, 3x-5y बराबर कितना है, 20 है, फिर कितना है, 6x-10y बराबर क्या है, 40 है, बराबर क्या है, 40 है। तो प्यारे बच्चों फिर से हम लोग इसे क्या बनाएंगे, समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर क्या बना लेंगे, दो बना लेंगे। फिर क्या करते हैं, अब ध्यान से समझिएगा, समीकरण एक को, समीकरण एक का a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर, तो तुलना करते हैं, a1 का मान कितना है, 3 है, a1 का मान 3, फिर b1, तो b1 का मान कितना है, -5 है, फिर c1, तो c1 का मान कितना है, 20 है। फिर क्या लिखते हैं, समीकरण दो को, समीकरण दो का a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, तो तुलना कर देते हैं, तो देखिए a2 बराबर कितना है, 6 है, a2 बराबर कितना है, 6 है, फिर b2 बराबर कितना है, -10 है, क्या है, b2 बराबर -10, फिर c2 बराबर क्या है, 40 है। अब अनुपातों की क्या करते हैं, तुलना करते हैं, अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना करने पर, तो अनुपातों की तुलना करोगे तो a1/a2, तो a1 कितना है, 3 है, ये 6, 3 × 3, 3 × 6 = 1/2 आ गए। फिर क्या है, b1/b2, b1 कितना है, -5 है, b2 -10, -5 × 5, 5×10 यानी 1/2 आ गए। फिर c1/c2, c1 है 20, c2 कितना है, 40, इसको भी कैंसिल कर दोगे, 1/2। तो अनुपातों की तुलना से पता चला a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जब इस स्थिति में आते हैं तो जो रेखा युग्म होता है वो अद्वितीय हल होता है, यानी इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो लिख देंगे दिए गए रेखा युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है स्टूडेंट, ठीक, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो आइए अब हम लोग बजगुणन विधि का फार्मूला लगाते हैं, क्या है, एक्स है, x/b1, तो b1 का मान कितना है, -5 है, c2, तो c2 का मान कितना है, 40 है, ठीक, -b2, तो b2 कितना है, -10 है, ठीक, और -10 है, ध्यान से समझिएगा, -10 गुणे c1, तो c1 का मान कितना है, 20 है, ठीक, बराबर y/ क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, y/ c1 a2 है, तो c1 कितना है, 20 है, और a2 कितना है, 6 है, ठीक, -c2 कितना है, 40 है, और a1 कितना है, a1 है, 3 है, ये हो गए, बराबर क्या है, 1/ a1 b2, a1 कितना है, 3 है, b2 कितना है, 10 है, तो 3 × -10, फिर -a2 b1, a2 6 है, b1 कितना है, -5 है, तो 6 × -5। चलिए x/ 40×5 = 200, 20 × 200 -, तो ये 200 हो गए, बराबर y/ 20×120, 40×3 = 120,
बराबर एक बटे तीन दहम्मा तीस, वो छ पंचे तीस। ठीक, एक्स बटे जीरो बराबर वाई बटे जीरो बराबर एक बटे जीरो। एक बार हम इससे लिखेंगे तो एक्स बटे जीरो बराबर एक बटे जीरो, एक बार वाई बटे जीरो को एक बटे जीरो के बराबर करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो खुद ही जो होगा वो एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और यहाँ भी वाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको निकाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट, थोड़ी सी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हेलो, फ़ोन कर रहे हैं सर जी, रुक जाइए, फ़ोन कर रहे हैं, अभी हम क्लास हैं, यूट्यूब पे पढ़ा क्लास चला रहे हैं। हाँ ठीक, ये हो गया, सॉरी गाइस, कुछ प्रॉब्लम थी। अब हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये था आपका तीसरा नंबर सवाल। ठीक, अब आते हैं हम लोग दूसरे नंबर की तरफ। इसका एक सवाल और है, वो सवाल आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं बच्चों। अगर आप लोग ना लगा पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको भी लगा देंगे। डियर स्टूडेंट, दूसरे का पहला नंबर कह रहा है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो क्या है, 2x प्लस 3y बराबर कितना है, 7 है। फिर क्या है, a माइनस बी एक्स है। फिर प्लस कितना है, a प्लस बी वाई है, बराबर कितना है, 3a प्लस बी माइनस 2। तो हम क्या करते हैं, आप इनको ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट। कह रहे हैं कि किन मान के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम समीकरण एक बनाएंगे, फिर इसे समीकरण नंबर दो बनाएंगे। तो समीकरण एक से A1 का मान कितना मिलेगा, A1 का मान 2, B1 का मान 3, फिर C1 का मान कितना है, 7 है। फिर समीकरण दो से A2 बराबर कितना मिलेगा, A माइनस बी। फिर B2 बराबर क्या मिलेगा, A प्लस बी। फिर C2 बराबर क्या मिलेंगे, 3A प्लस बी माइनस 2। अब ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट, अपरिमित रूप से क्या कर रहे हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा। A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2, यानी इनके आपस में अनुपात बराबर होंगे तब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो A1 का मान कितना है, 2 है। A2 का मान a माइनस बी, B1 का मान 3, फिर B2 का मान का है a प्लस बी, बराबर C1 कितना है, 7 है। C2 कितना है, 3a प्लस बी माइनस 2। तो अब आगे हम लोग कैसे हल करते हैं, एक बार इसको इसके बराबर, एक बार इसको इसके बराबर हल करते हैं। तो क्या लिखेंगे, 2 बटे a माइनस बी बराबर का हो जाएगा 7 बटे 3a प्लस बी माइनस 2। इसको एक बार हल कर लेंगे लेकर, और एक बार क्या करेंगे, 3 बटे a प्लस बी बराबर 7 बटे 3a प्लस बी माइनस 2 को लेकर हल करेंगे। तो क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई इनसे, इनका मल्टीप्लाई इनसे, इनका इनसे, इनका इनसे। तो आप इनसे इनका मल्टीप्लाई करोगे, 2 त्याई कितना आ जाएगा, 6a, फिर प्लस 2b, फिर 2 दूनी 4 आ जाएंगे, बराबर 7 का मल्टीप्लाई यहाँ से करोगे, 7a माइनस कितना आ जाएगा, 7b। इसी प्रकार 3 9a, 3 का मल्टीप्लाई इससे करोगे 3b, तो यहाँ 3 दूनी 6, बराबर यहाँ आ जाएगा 7a, फिर क्या आ जाएगा, 7b। अब आइए इसको हम लोग आगे की तरफ हल करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं ये, अब a एक तरफ कर लेते हैं, b एक तरफ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ कितना है, देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ से करते हैं इसको आगे, तो कितना है, 7a है, ये 6a उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 6a हो जाएगा।
फिर कितना है माइनस सेवन बी है, फिर ये टू बी उधर जाएगा तो माइनस टू बी हो जाएंगे, और ये माइनस चार है उधर आएंगे तो प्लस चार बराबर कितना हो गया जीरो। ये तो एक पक्ष हुए, अब इनको देखिएगा ये कितने हैं प्यारे बच्चों, इस लाइन को आप लोग अलग किए थे ना, कितना है नाइन ए है, कितना है नाइन ए, फिर क्या है सेवन ए इधर आ जाएंगे तो माइनस सेवन ए आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ समझिएगा आगे, यहाँ कितना है तीन बी है, कितना है तीन बी, और सात बी इधर आएंगे तो माइनस सात बी, और ये माइनस छः बराबर क्या हो गए जीरो। चलिए सात में से छः घटाओगे तो ए आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे ए, और सात बी और दो बी जोड़ दिए नौ बी प्लस चार बराबर जीरो, समीकरण नंबर तीन। अब यहाँ से नौ ए में से सात ए घटाओगे दो ए, तीन बी में से सात बी घटाओगे माइनस चार बी, माइनस छः बराबर जीरो, समीकरण नंबर चार क्या हो गए समीकरण नंबर चार। अब क्या करेंगे आप, ये दो समीकरण बन गए, चाहे प्रतिस्थापन से लगा लीजिए, चाहे क्या कर लीजिए विलोपन से, तो विलोपन विधि क्या होता है, अब दो यहाँ है तो दो से इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो विलोपन विधि से, किससे विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि से तो दो का मल्टीप्लाई तीन में, तो दो गुणे समीकरण तीन माइनस समीकरण दो से, सॉरी समीकरण चार, समीकरण चार ठीक। तो दो का गुणा इसमें करो, दो का गुणा ए में करोगे दो ए, दो नवा अट्ठारह बी, दो चौके आठ बराबर जीरो, फिर समीकरण चार क्या है दो ए है माइनस चार बी माइनस छः बराबर जीरो ठीक। अब क्या करेंगे घटाएंगे तो ये माइनस ये प्लस कैंसिल, माइनस अट्ठारह में से चार घटा दोगे, माइनस अट्ठारह में से प्लस चार जोड़ोगे तो कितना आएगा माइनस चौदह भी आ जाएंगे, और यहाँ आठ और छः जोड़ देंगे कितना आ जाएगा प्लस चौदह बराबर जीरो, प्लस चौदह उधर चले गए तो कितना आ गए माइनस चौदह, माइनस से माइनस कैंसिल, चौदह से चौदह कैंसिल, यहाँ एक आ गया बी बराबर क्या आ गया एक। अब इस बी का मान समीकरण चार में रख दो तो बी का मान बी बराबर एक समीकरण चार में रखने पर, तो समीकरण चार क्या है टू ए माइनस फोर बी माइनस सिक्स बराबर जीरो, तो ये टू ए आ गए माइनस चार, बी के स्थान पे कहाँ आ गए एक आ गए, ये माइनस छः बराबर जीरो, टू ए ये कितने आ गए माइनस चार, ये माइनस छः बराबर जीरो, छः और चार कर दिए कितना आ गया माइनस दस बराबर जीरो, दस उधर चला गया क्या हो गया बरा प्लस दस, दो एक के दो, दो पंचे दस, ए बराबर कितना आ गया पाँच। ए और बी का आपका मान ज्ञात करना था, आपने ए और बी का मान ज्ञात कर लिए। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार आपका दूसरे का पहला सवाल क्या होता है समाप्त हो जाता है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे का दूसरा नंबर क्या है, तीन एक्स प्लस वाई, तीन एक्स प्लस वाई बराबर कितना है एक है, फिर क्या है दो के माइनस एक, दो के माइनस एक है, फिर क्या है एक्स है, क्या है एक्स है प्लस के माइनस एक, क्या है के माइनस एक वाई है बराबर कितना है टू के प्लस वन, टू के प्लस वन, वो भी कह रहा है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं होगा, यानी इन दोनों समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा, के का ऐसा कौन सा मान रखें कि दिए हुए समीकरण का कोई हल ना हो, तो आपको के का मान ज्ञात करना। तो समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर दो, समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या होगा ए वन का मान तीन आ जाएगा ठीक, फिर क्या आ जाएंगे b1, तो b1 का मान कितना हो जाएगा, देखिए y में किसी का मल्टीप्लाई नहीं तो एक हो जाएगा, फिर c1 बराबर आपका एक है ठीक। अब समीकरण दो से, समीकरण दो से a2, तो a2 बराबर कितना है 2k माइनस एक है, फिर b2, b2 बराबर कितना है k माइनस एक है, फिर c2 बराबर कितना है 2k प्लस वन है।
अब आप डियर स्टूडेंट वो क्या कर रहा है, के किन मानों के लिए दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो लिखेंगे जब समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता, जब कर लिखते हैं समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा जब क्या हो जाए a1 upon a2 = b1 upon b2 ≠ c1 upon c2। तो आप देखिए a1 का मान कितना है, 3 है, रख दीजिए, और a2 का मान कितना है, 2k - 1 है, बराबर b1 कितना है, 1 है, और b2 कितना है, देखिए b2 कितना है, k - 1 बराबर, ये नॉट इक्वल सी वन अपान सी टू है, तो हमसे उससे लेना देना नहीं है। के का मान ज्ञात करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3 के, इससे करोगे -3, इनका करोगे तो 2k - 1 आ गए। के वाले पक्ष हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ कर लेंगे डियर स्टूडेंट, तो इधर 3k है, ये 2k इधर आ गया, तो -2k बराबर, ये आपके -1 हैं, ये -3 उधर गए, क्या हो गया +3, 3 में से 2k घटा दिए k, और 3 में से 1 घटा दिए 2, तो k का मान कितना आ गया 2, यानी k का मान अगर 2 रख दे तो दिए गए समीकरण का जो होगा कोई हल नहीं होगा। डियर स्टूडेंट तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी और बचे हुए सवाल को हम लोग अगले लेक्चर में देख लेंगे, अगले क्लास में आपको बता दिए जाएंगे। और वीडियो पसंद आया होगा डियर स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और क्लास में और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।